अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 13। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप हाफिज़े कुरान बनना चाहते हैं, आप बनना चाहते हैं या आप अपने बच्चों को बनवाना चाहते हैं, आपके जो भी रिलेटिव्स हैं वो बनना चाहते हैं, तो आप उनसे बात करिए। आप उनको बताइए कि मैं व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल और वॉइस कॉल के थ्रू पढ़ाता हूँ, तो वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपकी जो भी एज है उससे फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर कोई ट्यूटर से आप पढ़ रहे हैं और वो सही से पढ़ा नहीं पा रहा है, तो अभी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्टार्टिंग में 5 डेज तक फ्री रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक नंबर 13। काफ और गाफ की मिलावट। काफ अलिफ ज़बर का, गाफ अलिफ ज़बर गा, गाफ लाम पेश गुल, काफ लाम पेश कुल, काफ अलिफ ज़बर का, गाफ मीम पेश गुम, काफ बा ज़बर कब, काफ सीन ज़ेर किस, गाफ ळे पेश गुड़, गाफ पे ज़बर गप, काफ ये ज़ेर की, काफ ये ज़ेर के, इसको पढ़ेंगे की और इसको पढ़ेंगे के, गाफ या ज़ेर गी, गाफ या ज़ेर गे, काफ हे ज़बर कह। लाम की मिलावट। लाम अलिफ ज़बर ला, लाम बा ज़बर लब, लाम ड़ा, लाम ड़े ज़बर लड़, लाम वाउ ज़बर लो, लाम या ज़ेर ली, लाम ये ज़ेर ले, लाम ये ज़ेर ली, लाम ये ज़ेर ले। दोनों ये जो हैं इनमें बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। लाम सीन ज़बर लस, लाम दाल ज़बर लद। तो अगर आप अच्छे से पढ़ पा रहे हो, अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो में आएँ, तो आप प्रीवियस वीडियोस मेरी देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। जज़ाकअल्लाहु खैरा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।